थार की डिलीवरी है हमारी, थार मैनुअल, ये ऑटोमेटिक डीजल 4x4। तो लेने आए अभी हम शोरूम गाड़ी, अभी डिलीवरी होगी थोड़ी देर बाद। बाकी अभी मेरे कैमरामैन यही पूछ रहे थे कि एक्साइटमेंट कैसी लग रही है, तो मैं यही बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, एक्साइटमेंट हालांकि ऐसी कुछ है नहीं, बट हाँ इट्स गुड, अच्छा व्हीकल है। ऑल दो मेरे पास 4x4 दो तीन गाड़ियाँ ऑलरेडी है, जिप्सी है, पजेरो स्पोर्ट्स है। थार मैंने पहले भी रखी है, 2014 में मैंने ब्लैक कलर की ली थी डीजल, जब इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल आया था PRD इंजन, वो भी 4-व्हील ड्राइव थे, वो भी मैंने चलाई थी करीब 2 साल। तो बट ये ऑल टुगेदर एक नया व्हीकल है और बढ़िया है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो गाड़ी खैर प्रिपेयर कर रहे हैं, महिंद्रा की सर्विस एज यूजुअल बड़ी लेट, तो क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस भी ऐसे ही है। बाकी एक्सट्रीम मोटर ले जाकर करेंगे गाड़ी को तैयार, कल से खुलना शुरू होगी गाड़ी, आपको दिखाएंगे आगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो कल हमने अपनी थार की डिलीवरी ली थी, कल शाम ही हो गई थी हमें डिलीवरी लेते लेते, काफ़ी लेट हो गया था। अभी हम लोगों ने प्लान आउट किया है कि गाड़ी का हम काम शुरू करेंगे, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन है, जो भी अपग्रेडेशन है बेसिकली, इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह इम्प्रूव करने के लिए और इसके एस्थेटिक लुक हो गए, वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा काम अब शुरू करेंगे अपने यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग टायर का रख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी कल हमने निकाली थी तो इसमें कंपनी की तरफ से C8 के टायर मिले हैं हमें, तो आप देख सकते हैं जो C8 का टायर कंपनी की तरफ से स्टॉक टायर आ रहा है, इस टायर पहले जो C8 का आता था और जो अब आ रहा है इसमें डिफरेंस है। ये वाले टायर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, काफ़ी सस्ता टायर भी है कंपनी जो दे रही है, शायद कॉस्ट कटिंग माइट भी डिफेक्टर। ये टायर चेंज करेंगे, वी आर गोइंग फॉर मैक्सिस, ब्रावो इसमें डालेंगे, और अभी वी आर जाने ही वाले हम लोग, टायर की शायद शॉप खुल गई होगी,
तो वहाँ जाकर टायर चेंज कराते हैं, फिर देन फर्दर इस पर देखते हैं सेरेमिक पीपीएफ वगैरह कुछ करेंगे और एसेसरीज वगैरह इंस्टॉलेशन का एक दो दिन में काम शुरू कराते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कंबाइंड व्हील शो इट अप कि गाड़ी कैसी निकल के आती है, क्या चीज़ें हमने करी हैं, प्लस इसके साथ साथ हम आपको कॉस्टिंग भी देंगे इसमें कि गाड़ी के एग्जैक्ट फिगर्स क्या आ रही है काम कराने के बाद। तो काफ़ी वीडियोज हमने इंटरनेट पर भी देखते हैं, एग्जैक्ट कॉस्टिंग हर कोई नहीं बताता है कि क्या खर्चा आ रहा है, तो जिससे कि जो और व्यूअर्स हैं उन्हें आइडिया भी होगा अपनी गाड़ियों के ऊपर काम करा रहे हैं तो हमें कितना बजट लेकर चलना है और किस प्रोडक्ट की, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट में वैरायटी बहुत सारी है आजकल मार्केट में, सेम प्रोडक्ट है वैरायटी डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो चलते आइए टायर वायर चेंज कराते हैं और देखते हैं क्या रहता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं टायर चेंज कराने के लिए अपनी कार को लेके। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक हमारे देहरादून में एक बहुत बड़ा टायर का शोरूम है टायर मॉल करके, एक्सट्रीम मोटर्स का हमारा जॉइंट वेंचर थी इनके साथ, तो हमारी जो गाड़ी अलाइनमेंट टायर वगैरह की चेंज के लिए या बैलेंसिंग कुछ और इशूज होते हैं तो हमारी सारी गाड़ियाँ यहीं पर ही आती हैं एंड यही लोग इसे दौर करके देते हैं। तो अभी हम जब पहुँचे तो मैंने यहाँ पर करीब 4-6-7 वैरायटी टायर की देखी जो अवेलेबल है थार के लिए, तो मैं एक एक करके इनके बारे में आपसे बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस टायर का क्या बेनिफिट है, उससे आपको टेरेन पे क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ हाईवे टेरेन टायर भी हमारे पास, क्योंकि थार में स्टॉक टायर भी 80 आता है, दैट इज़ ऑल टेरेन टायर, तो वो क्या डिफरेंस है थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं और फिर आगे चलते इसी वीडियो में आपको कॉस्टिंग और टायर चेंज करने का एंटायर प्रोसेस वो भी दिखाने वाले आइए। तो दोस्तों सबसे पहले टायर है मैक्सिस ब्रेवो, ये टायर का जो प्रोफाइल है दैट इज़ 285 mm चौड़ा है, ये 60 mm इसकी साइड वॉल है एंड R18 इज इसका रिम साइज। तो ये टायर जो है ये बेसिकली हमारा ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो 255 है और ये 285 है, तो ऑलमोस्ट 30 mm ज़्यादा, एक इंच फालतू रहेगा टायर, 1 इंच से 5 mm बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा रहेगा, तो आप मान लीजिए 15 mm दोनों साइड एडजस्ट हो जाएगा इनर और आउटर साइड ना। तो ये है टायर, ये टायर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ सबसे महंगा टायर ही यही है, जो स्टॉक टायर हमारा आता है वो करीब 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का टायर की कॉस्टिंग है और ये टायर अप्रॉक्सीमेट शायद 17 हज़ार रुपये के आसपास है, बाकी एग्जैक्ट प्राइस अभी जसवीर भाई से मिलते हैं। सेकेंड टायर है अपोलो एप्ट्रा 82, ये टायर भी बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों में डाला है, हालांकि थार में तो मैंने कम देखा लेकिन एक्सक्यूजी में फॉर्चुनर वगैरह में इन गाड़ियों में काफ़ी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने यूज़ करा, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उतना ज़्यादा हार्ड कंपाउंड नहीं है ये। अच्छा अगर मैं इसकी वापस से बताऊँ ना तो ये इसका जो ट्रेड ब्लॉक है ये कहीं ना कहीं क्वाइट सिमिलर टू बी एफ गुडरिच, और ये ट्रेड ब्लॉक का क्या खासियत रहती है कि ये आपको सैंड और स्नो में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप देता है, ये हाईवे पे ठीक है थोड़ा सा नॉइजी रहेगा कंपेरेटिवली, बट अगर आप सैंड स्नो और ग्रेवल में अगर आप चलते हैं तो ये टायर का जो ट्रेड है ये उसमें बहुत तगड़ी ग्रिप देगा आपको। फिर ये बताया आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसके मुकाबले तो फिर भाई ये सॉफ्ट है थोड़ा, हाँ थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सॉफ्ट है, हाँ जी। अच्छा नॉइसी तो नहीं रहता होगा हाईवे पे? नहीं ये नॉइसी नहीं, और वैसे तो मोस्टली जो भी ऑल टाइम टायर होते हैं उन सभी में आपको इसमें आपको साइड वॉल भी सॉफ्ट होती है, थोड़ा बाउंसी भी हो जाता है, मतलब आपको शॉक एब्जॉर्ब करेगा साइड वॉल से और नॉइस बिल्कुल नहीं इसके अंदर जेके टायर में आपको महसूस होगी। दोस्तों एक और टायर है जो मेरा तो खैर फेवरेट है, हमने रैलीज में भी बहुत बार यूज़ करा है ये, इसकी सैंड में स्नो में ग्रेवल में हर चीज़ में बहुत अच्छी ग्रिप है और वर्ल्ड फेमस टायर है जियोलैंडर, कोई इसको मतलब इंट्रोडक्शन की मुझे नहीं लगता योकोहामा जियोलैंडर को ज़रूरत है। बाकी मैं इसको अभी इसलिए नहीं डला रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार मैक्सिस ट्राई करना चाहता था, मैंने मैक्सिस कभी यूज़ नहीं किया है पर्सनली और मैं ट्राई करना चाहता था,
और अगर मैक्सिस का ऑप्शन नहीं होता, वैसे मैंने जो जसवीर भाई से सबसे पहले टायर मांगा था वो कॉन्टिनेंटल का क्रॉस कॉन्टैक्टेड टायर आया करता था, तो अभी जैसा मुझे बता रहे हैं कॉन्टिनेंटल की भी डीलरशिप है वो कंपनी से आ नहीं रहा है टायर पीछे से, कंपनी ने प्रोडक्शन से हटा दिया वो वाला क्रॉस कॉन्टिनेंटल 80 आता था एक पहले, वो मेरी पजेरो स्पोर्ट में अभी बल्कि मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, वो बहुत शानदार टायर है। तो ये अभी फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, कुछ नया करना सोच रहे थे इसलिए मैक्सिस पे जा रहे हैं। बाकी अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि योकोहामा यूज़ करना है, नो डाउट बिल्कुल, मतलब बिना सोचे बिना झिझके आप ये टायर लगा सकते हैं आंख बंद करके, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। जसवीर भाई इसका प्राइस क्या है? ये अच्छा ये वाला प्रोफाइल साइज आप देख लीजिए 285/60R18। फिर एक टायर ये है रोड क्रूजर, ये इम्पोर्टेड है बेसिकली टायर, ये भी 285/60R18 है, प्रोफाइल इसका भी अच्छा है, ट्रेड ब्लॉक इसके भी बढ़िया है, ये इम्पोर्टेड है टायर, तो कुछ शायद इंडिया में वैसे कोई इसे चाइनीज कह लेता है, कोई इसे कुछ और नाम दे देता है, बट ये इम्पोर्टेड है, बाहर से इम्पोर्ट होके हमारे कंट्री में आते हैं, तो ये भी टायर सही है, सस्ता टायर है। चाइनीज भाई कितनी वॉशिंग का है ये 12,000 की रेंज में और ट्रेड ब्लॉक इसका भी अच्छा है और आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इतना ज़्यादा हमारे पास इसका रिव्यू है नहीं व्यूअर्स का। मिशलिन HT इसका 80 मॉडल भी आता है? 80 मॉडल नहीं आ रहा अभी, आता नहीं आता है अच्छा। लेकिन फिलहाल नहीं अवेलेबल है। ओके ये अवेलेबल है, ये बड़ा शानदार टायर है, ये मात्र 16,000 रुपये पर टायर के हिसाब से दे रहे हैं। ओके तो ये 216,000 रुपये का बता रहे हैं भाई। उसके अंदर इसमें ये भी है कि इसमें 5 साल की आपको अनकंडीशनल वारंटी मिल रही है, उसमें कंडीशनल वारंटी नहीं है। अच्छा वारंटी एक तो योकोहामा में है और किस किस में है हमारे पास? वारंटी योकोहामा में मिल जाएगी आपको, अपोलो में मिल जाएगी, जेके में मिल जाएगी। अच्छा तो कट की बल्ज की, ये कट की है और बल्ज की सभी में आती है। अच्छा बल्ज की सभी में, साइड वॉल बल्ज हो चाहे नीचे में बल्ज हो। अच्छा और बाकी जो हमारे व्यूअर्स बदलिए मैं बता दूं, नई गाड़ी लेके भी अगर आप अपने टायर चेंज कराने चाहते हैं, जैसे कि हमने कल ही गाड़ी निकाली थी और आज ही हम टायर चेंज करा रहे हैं, तो वो हमारे पुराने टायर भी सही प्राइस में जसवीर भाई ने एडजस्ट करेंगे हमारे इनमें, तो आप भी कोई भी हो हमारे उत्तराखंड से हो, देहरादून से हो, या इवन बाहर से भी अगर आना चाहते हैं यहाँ से टायर लेना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड की सारी वेराइटी है, एमआरएफ छोड़ के सारी वेराइटी आपको टायर मॉल से मिलेगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस टायर मॉल का और फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जसवीर भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जसवीर भाई कोई मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को? हाँ सर आइए और जब भी आएंगे तो आपको अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमारे यहाँ फ्री है। और हाँ एक्सट्रीम मोटर का अगर रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट भी जसवीर भाई ऑफर करेंगे, बढ़िया है ना जी। तो आप आइए और बाकी आपको वीडियो में आके दिखाते हैं, टायर चेंज कराने मैक्सिस दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जसवीर भाई।
भाइयों अभी टायर लगाए हैं मैक्सिस ग्रेवो और लुक बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है, शानदार लग रही है गाड़ी, बहुत ही ब्रॉड और अच्छा लुक दे रहा है, रगड। तो आप देखना अभी गाड़ी जा रही है, अभी अपने अलग यहाँ पॉलिश वगैरह कुछ नहीं कराई है, अभी हमारी अपनी वर्कशॉप पे जाएगी, सेरेमिक वगैरह होगी गाड़ी पे, तो वहीं पर वॉशिंग होगी। तो आप देखना अभी नेक्स्ट शॉट्स में क्या लुक आता है गाड़ी का।